नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां युवक पर चाकू से प्राण घातक हमला, अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें, खबर रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र की है, जहां दुकान में बैठे एक युवक से कहासुनी होने पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। घटना की जानकारी घायल युवक के परिजनों को हुई तो उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। घायल दीनदयाल नाई ने बताया कि सुबह 10 बजे गांव की दुकान में बैठा था। उसी समय राम रक्षा यादव अपने साथी संतोष यादव के साथ पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने पास रखे चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि घटना हनुमना थाना क्षेत्र के अमहा वासुदेव की बताई जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए मध्य प्रदेश के रीवा से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट। क्या नाम है? दीनदयाल नाई। क्या घटना आपके साथ? घटना हमारे साथ चाकू मारा गया। कहाँ की घटना? अमहा वासुदेव हनुमना जी दादी थाना हनुमना। कितने बजे की घटना? 10 बजे। कौन मारा है? राम रक्षा यादव और संतोष कुमार यादव। कारण क्यों? कारण सर, मैं दुकान पर बैठे थे, मेरे को मारा। मैं बोला क्यों मारा, तो चाकू लेके आया, फिर मार दिया। रिपोर्ट कर दिए हो? जी सर। कौन से थाना? हनुमना थाना सर। कितने बजे की घटना है? 10 बजे रात के? दिन सुबह। और नहीं सर। कहाँ रहते हो? अमहा वासुदेव।